इम्पॉर्टेंट डेट है। जैसा कि आपको मालूम है कि रिजर्व सीट्स की प्रोसीडिंग्स के बाद आज खास हेयरिंग है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लास्ट टाइम काफ़ी सारी ऐसी बातें की जिनके काउंटर जो असलियत हकाइक हैं वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारे जो वकला हैं वो आज सामने रखेंगे। जहाँ तक 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ तो पाकिस्तान की आवाम ने निकल के इमरान खान और उसके मुंतखब नुमाइंदों को वोट डाला, चाहे कद्दू का निशान हो, बैंगन का निशान हो, रोलर कोस्टर हो, चिमटा हो, जूता हो या कोई भी और निशान हो, आवाम ने खुद ढूंढ के अपने उम्मीदवारों को जाकर वोट डाला। लेकिन 9 फरवरी की सुबह और 10 फरवरी तक पता लगा कि वो सारे का सारा तमाशा जो है वो बदल दिया गया और एक रिग्ड इलेक्शंस, एक तारीख के बदतरीन इलेक्शंस जो हैं उनको करवाने में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान माशाल्लाह कामयाब हो गया। तो ये भी इनका ही तुरा इम्तियाज़ होगा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा रिग्ड इलेक्शंस जो हैं वो हमारे इलेक्शन कमीशन ने करवाए। और इसीलिए जब हमने दरख्वास्त दी थी कि सरकारी मशीनरी से लेके आरोज और बाकी सब को ना लगाया जाए तो हम पे और किस्म के इल्ज़ामात लगाए, हमारी एक ही डिमांड थी। आप जानते हैं कि जब हमने 11 अप्रैल 2021 को असम्बलियों से रिज़ाइन करके बाहर रहे थे तो हमारी डिमांड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस थी। 14 मई को भी इलेक्शंस होने थे लेकिन 14 मई के इलेक्शन से पहले 9 मई हो गई, उसके बाद 90 दिन के इलेक्शंस का कॉन्सेप्ट तो माशाल्लाह आईन और कानून के मुताबिक मेरा ख्याल है कि आप सारी आवाम को समझ आ गई है कि 90 दिन के जो इलेक्शंस के मामलात हैं वो अपनी मर्जी से 90 दिन शुरू होते हैं। मर्जी होती है तो 90 दिन शुरू होते हैं, मर्जी होती है तो नहीं होते हैं। इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस लेने के लिए जो 90 दिन के अंदर होने चाहिए थे उस पर भी हमें अदालतों के दरवाजे खटकाने पड़े और माशाल्लाह आज इस बात पे भी हम पे एहसान जताया जाता है कि देखिए हमने तो आपको डेट लेके दी थी इलेक्शन की, जबकि पाकिस्तान की आवाम का ये जमहूरी राइट है, ये आईनी राइट था कि उनको सही टाइम पर डेट दी जाती, लेकिन इलेक्शंस को डिले किया गया। और क्यों किया गया? क्योंकि इलेक्शन की जो मैनेजमेंट होनी थी, जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होनी थी, उसके बहुत सारे स्टेप्स मौजूद थे जो एग्जीक्यूट किए गए। बहरहाल अब जो अंदर मामला चल रहे हैं हियरिंग के उसके मुतालिक मैं सिर्फ यहाँ पर ये बताती चलूँ कि बाप पार्टी जो सबकी माशाल्लाह अबूजी पार्टी है, बाप पार्टी हमारे पास 2018 में केपी में मौजूद नहीं थी और उसके ऊपर पूरा आर्टिकल मौजूद है, उसके ऊपर नोटिफिकेशन मौजूद है कि 3 इंडिपेंडेंट्स ने आके उसको ज्वाइन किया और उसके बाद वो सेटिंग के अंदर उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नया स्केड्यूल दिया और उसके बाद उन्हें एक रिजर्व सीट दी गई। तो ये सब कुछ इसी मुल्क में हुआ, इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया जिस जो सड़क की दूसरी तरफ बैठे हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा इदारा है। तो मेरे ख्याल में अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे की जो मेमोरी होती है, जिसको इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होती है, वो बहुत पुरानी नहीं है। जब 2018 के इलेक्शंस को इतना याद किया जाता है और इस कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है कि उसमें भी पता नहीं क्या क्या हुआ था, तो ज़रा ये भी याद कर लें, ज़्यादा पुराना तो गुजरा नहीं है 2018। इसी तरह जो जिस तरह बताया गया था कि पंजाब में हमारी जो माइनॉरिटी की लिस्ट जमा नहीं हो सकी थी लेकिन इलेक्शन के बाद कोर्ट के ऑर्डर्स पे वो भी जमा की गई और वो सीटें भी दी गई, तो ये कोई दुनिया से निराला काम हम नहीं मांग रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन इस पर इतनी तकलीफ का शिकार है। और दूसरा मैं ये भी यहाँ पर कहना चाहती हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पार्टी नहीं बनना चाहिए, ये पाकिस्तानियों का कमीशन है, इसको किसी भी पार्टी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए, नजर आना चाहिए कि इसके लिए तमाम पार्टियां बराबर हैं, लेकिन नजर नहीं आ रहा। आप अंदर वकील साहब के दलाइल ही सुन ले तो वहां पे भी ऐसे लगता है वो हंस रहे होते हैं, SIC के नाम पर हंसते हैं, PTI के नाम पर तो पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है, लेकिन दूसरी पार्टियों के लिए वो वोट को इज्जत दो के नारे भी लगा देते हैं। फिर वहाँ मौजूद जो ख्वातीन जिनको हमारी सीटें इलेक्शन कमीशन ने रेवड़ियों की तरह या लड्डुओं की तरह पेश किए वहाँ बैठी हुई हैं, वो जब अपने दलाइल मुकम्मल करते हैं तो आप सारे मौजूद हैं, अब कैमरे तो वहाँ है नहीं, पूछ लीजिएगा अंदर जो होते हैं, वो जाके इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उनको मुबारकें देती हैं, उनके सदके वारी जाती हैं और उनसे बड़ी मोहब्बत का इजहार करती हैं, करना भी चाहिए, जाहिर है
जिन्हें अवाम ने मैंडेट नहीं दिया उनको इलेक्शन कमीशन ने तोहफे में 10-10, 12-12 सीटें दे के, तो उनकी पूरी जो प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन है असेंबली की वो चेंज कर दी है। तो यहाँ पर मैं ज़रूर कहूँगी कि इलेक्शन कमीशन का रवैया बिल्कुल भी न्यूट्रल नज़र नहीं आ रहा, वो बिल्कुल पार्टी बना हुआ नज़र आ रहा है।